खबर है सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर में बीते 10 अक्टूबर को इब्राहिमपुर में मूर्ति विसर्जन में डीजे को लेकर दो समुदाय आमने सामने हो गए थे। आपको बताते चले कि जिसमें अभी तक 51 नामजद और कुछ अज्ञात के नाम FIR भी दर्ज हो चुकी है। आपको हम बता दें कि जिसमें सारे मुस्लिम पक्ष हैं, एक तरफा कार्रवाई होने से मुस्लिम पक्ष के लोग डीएम ऑफिस पहुंचे और सुल्तानपुर में डीएम रवीश गुप्ता को ज्ञापन सौंपा और अपनी बात कही। आपको हम बता दें कि मीडिया से बात करते हुए एसओ बलदिराय के पारा बाजार में दिए गए बयान पर आपत्ति भी जताई। आइए सबसे पहले आपको एसओ बलदिराय का बयान दिखा देते हैं। दुर्गा माता के इस धार्मिक यात्रा में जिस किसी भी व्यक्ति ने दुस्साहस किया है, मैं आपसे वादा करता हूं, उनको मैं मिट्टी में मिला दूंगा, उनके घर बुलडोजर से गिरेंगे। इसी बयान को नाराजगी से लेते हुए मुस्लिम पक्ष के लोगों ने सुल्तानपुर के डीएम कार्यालय पहुंचे और डीएम को ज्ञापन सौंपा। आइए अब आपको मुस्लिम पक्ष का बयान सुना देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भोलू जहांगीर, अपना सुल्तानपुर न्यूज। जो भी है आप लोग जिलाधिकारी कार्यालय इब्राहिमपुर वल्लीपुर में मूर्त विसर्जन के दिन अजान के वक्त डीजे बज रहा था, विसर्जन होने के जा रहा था और मूर्तियां जा रही थी, लेकिन मस्जिद के पास रोक करके एक घंटा बज रहा था, तो उस पर लोगों ने कहा कि भाई यहां से आगे कर लो और हम लोग नमाज पढ़ लें। नमाज पढ़ने के लेकिन कोई माना नहीं, उसी वक्त बात शुरू हो गई और आपस में तू तू मैं मैं हुई, फिर पथराव शुरू हो गया और मामला बढ़ गया। मामला शुरुआत किसी भी तरफ से होती है, लेकिन जब होता है तो दोनों तरफ से होता है। उसके बाद मस्जिद की चटाइयाँ जलाई गईं, मस्जिद की टोटियाँ तोड़ी गईं, मदरसे में नुकसान पहुँचाया गया और फिर प्रशासन गया। हम उसकी भर्त्सना करते हैं, प्रशासन ने काम किया और प्रशासन के जाने के बाद बहुत ही मामला पुरसुकून हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन अब जो कार्रवाई हो रही है उसमें 51 लोग जो हैं वो सारे के सारे मुस्लिम हैं, अज्ञात में भी लोगों को लेकर के अरेस्ट किया जा रहा है। दोनों तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए, हम इंसाफ चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब मुल्जिम दोनों हैं तो दोनों को अरेस्ट किया जाए, दोनों को जुद सजा दी जाए, एक तरफा कार्रवाई ना हो, यही मुतालबा लेकर के हम डीएम साहब के यहाँ आए। डीएम साहब के अंदर बोला कि जो वहाँ कैसो है वहाँ पर मतलब सबको धमका रहा, क्या धमका रहा है? नहीं, उनका तो भाषण बाकायदा मोबाइल पर है और उन्होंने खुलेआम पारा बाजार में जो भाषण दिया है कि ना आप कमजोर है ना प्रशासन कमजोर है, हम मिट्टी में मिला देंगे और बुलडोजर चलवा देंगे, ये जुमले हैं उनके। तो ये जुमला प्रशासनिक अधिकारी का नहीं होना चाहिए। इस तरह से अगर इंतजामिया के अफराद जो सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनको दी गई है वो इस तरह से बात करेंगे तो सुरक्षा कहाँ रहेगी? उसके बाद फिर लोग और उत्तेजित हुए और हमला किया, पारा बाजार में भी दुकानें तोड़ी गई, ट्रैक्टर जलाया गया, तोड़ा गया, थ्रेसर फेंका गया, ये सब हुआ। कारी भीत में उसके बाद हमला हुआ, ये सारी चीजें आज रात में भी हमला हुआ। मौलाना सगीर अहमद साहब हैं, उनके घर 2 बजे रात को हमला किया गया और उनको लूटा पाटा गया, ये सारी चीजें हो रही। तो आखिर ये बंद होना चाहिए कि कैसे होगा? इस तरह से जिले को दाग लग रहा है, कभी जिले में हमारे ऐसा नहीं हुआ था, हमको इस बात का एहसास है। बिल्कुल एकता है, बिल्कुल एकता है, लेकिन अब ये एकता चंद लोगों ने बिगाड़ कर रख दिया, इस तरीके से हो गया। वरना यही हमने तो ये कहा कि भाई ठीक है डीजे की बात थी, हम यहाँ 48 घंटे तक चौक में झेलते हैं और नमाज जिहाद में पढ़ते हैं, तुम लोग भी पढ़ लेते हैं, लेकिन हर जगह हम तो नहीं हैं, हर जगह ये तो नहीं है। कोई भी है, किसी के दिमाग में आ सकता है कि भाई क्यों हो रहा है ऐसा, तो दूसरों की भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए, दूसरों के मजहबी त्योहारों का भी ख्याल रखना चाहिए, उनको रख करके अगर किया जाए तो कोई गलती नहीं होगी। डीएम साहब ने आश्वासन दिया कि हम इस मसले को गंभीरता से लेंगे और सुल्तानपुर से जुड़ी रोजाना वीडियो देखने के लिए अपना सुल्तानपुर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। अगर आप यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका हमारे लिए कोई सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।